नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक की भूमिका। मैं मीनाक्षी गोले, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय। जब हम बात करें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की, तो अब हमें पता होना चाहिए कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं कौन, और ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र हैं या बच्चे हैं, इनकी अधिगम आवश्यकता पूरा करने में शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे या छात्र कौन हैं। विशिष्ट शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों से किया जाता है। कुछ मनोवैज्ञानिक अत्यंत प्रतिभाशाली को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं, तो कुछ मंद बुद्धि या पिछड़े छात्रों को रखते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार विशिष्ट पद ऐसे विशेषकों या उन विशेषकों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण व्यक्ति अपने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट करता है। तो यह जो परिभाषा दी है क्रो और क्रो ने, तो इससे पता चलता है कि उनकी जो कार्य होते हैं, उनका जो एक बिहेवियर होता है, उनका जो कंडक्ट होता है, वो एक उनका वर्तन इस तरह से होता है कि जिसके कारण अपने आप उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनका ध्यान उनके ऊपर केंद्रित होता है। तो अगर इस तरह के छात्र हमें आसपास दिखाई देते हैं, तो वो विशिष्ट छात्र के रूप में या विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्र के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार कहा जाता है कि विशिष्ट बालक वे हैं जो कि सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक या सामाजिक विशेषताओं में इतनी अधिक पूरी पर हैं कि अपनी उच्चतम योग्यताओं तक विकसित होने के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत बार छात्र को कोई चीज़ पता करने के लिए कुछ अलग से उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है या उनके साथ कुछ ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही एक जो चीज़ यहाँ पे कही है कि सामाजिक विशेषताओं में इतनी अधिक पूरी पर है कि अपनी उच्चतम योग्यताओं को विकसित होने के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। वो कोई भी हो सकता है, वो प्रतिभाशाली छात्र भी हो सकते हैं, वो मतिमंद रूप के जो छात्र होते हैं वो भी हो सकते हैं। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंद बुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक अस्थिरता युक्त आदि विभिन्न प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र की, तो ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र हैं, इसमें ये सारे छात्र आते हैं जिनके अभी हमने नाम पढ़े। ये जो विशिष्ट बालक है, उस विशिष्ट बालकों के जो हमने अभी नाम पढ़े, उसमें हर एक अलग अलग प्रकार भी है। तो वो प्रकार उनके एक रूप को दर्शाता है। जैसे मानसिक रूप में से अगर विशिष्ट छात्र हैं, तो एक तो वो प्रतिभाशाली बालक होंगे या फिर वो मतिमंद बालक होंगे। अगर शारीरिक दृष्टि से वो विशिष्ट है, तो उनकी दृष्टि विकलांग होंगे या फिर श्रवण दोष युक्त बालक होंगे। उनमें बोलने की अक्षमता वाले वाक दोष युक्त बालक होंगे, विरूपित बालक होंगे, प्रचालन अक्षमता वाले बालक होंगे। अगर सांवेगिक दृष्टि से हम देखें, तो उसमें है कुछ बालक जो असमायोजित बालक है, जो कहीं पर भी समायोजन नहीं कर पाते, और वो कहीं पर भी समायोजन ना करने की वजह से सामाजिक स्तर पर वो कहीं पर एस्टैब्लिश नहीं हो पाते, स्थापित नहीं हो पाते, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ बहुत सारे बालक होते हैं जो विशिष्ट आवश्यकता रखते हैं, जिसमें आता है बहुविकलांग बालक, जिसमें उनके एक साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा विकलांग पाए जाते हैं, जो फिर से विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र के रूप में हम उनको उनकी श्रेणी में रख सकते हैं। अगर हमारे पास इतने विशिष्ट आवश्यकता वाले जो छात्र हैं, तो
तो अगर हमें उनकी अधिगम आवश्यकता पूरी करनी होगी तो छात्र शिक्षक को इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। सबसे पहले तो उनको एक समान अवसर प्रदान करना होगा जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हम कहते हैं कि समावेशित कक्ष का निर्माण करना, अगर हम बात करें समावेशित कक्षा कक्ष का निर्माण करना तो सारे छात्र की जो विभिन्नता है उसको ध्यान में रखते हुए उनको मेन स्ट्रीम में, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए समान अवसर प्रदान करना यह एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था में अवसरों की समानता या प्रणियमन सर्वोच्च है। सामान्य बालकों के समान ही उन्हें भी अपनी प्रतिभा के अधिकतम विकास के लिए स्वतंत्रता एवं अवसर मिलने चाहिए। यह तो बात हुई केवल प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालकों की, उसी के साथ ही शारीरिक विकलांग और बहुविकलांग समायोजन क्षम जो छात्र होते हैं उनके लिए भी यही सारी चीज़ें लागू होंगी। जैसे उन्हें शिक्षा की व्यवस्थाओं में अवसर मिलना चाहिए, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए कक्षा कक्ष और शिक्षक जिम्मेवार होता है। उसी के साथ मिथ्याभिमान एवं आडंबर से बचने का प्रणियमन। बहुत बार ऐसे होता है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो अपना कार्य बहुत आसानी से बहुत कम समय में पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो पिछड़े छात्र है या जो प्रचालन अक्षमता रखने वाले छात्र है या शारीरिक विकलांग वाले जो छात्र हैं वह अपने गति के अनुसार कार्य को पूरा करते हैं। तो जो प्रतिभाशाली छात्र है उन्हें काफ़ी बार मिथ्याभिमान होता है और जो गति में जो पिछड़े छात्र है उसे उनमें आडंबर आने लगता है या न्यूनता आने लगती है। तो यह न्यूनता न आए इसलिए शिक्षक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उसको उसके लिए कुछ प्रनियमन बनाने पड़ते हैं। ये सभी को समान अवसर कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस तरह से उन्हें कक्षा में गतिविधियों का निर्माण करना होता है। तीसरा मुद्दा है चुनाव। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा में से सबसे पहले यह पता लगाना होता है कि किस कक्षा में कौन से बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं। जब हमें पता चलता है कि कौन से छात्र या बालक विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं तो उसी के आधार पर उनके लिए सारे कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हम प्रचालन अक्षमता वाले छात्र को हम असमायोजन के छात्र का कार्य नहीं दे सकते। तो पहले हमें वो देखना होगा कि छात्र की आवश्यकता क्या है, छात्र की आवश्यकता के अनुसार हमें कार्य की निर्मिति करनी होगी, छात्र के आवश्यकता अनुसार हमें वर्ग की रचना करनी होगी, छात्र के आवश्यकता के अनुसार हमें शिक्षण की रणनीति बनानी होगी, छात्र के आवश्यकता के अनुसार हमें उनके मूल्यांकन के लिए भी चुनाव करना होगा। तो यह सारी चीज़ें करते समय शिक्षक को बहुत सतर्क रहकर जो उनकी आवश्यकता है वो पूरी करने के लिए उस तरह से कार्यक्रम उस तरह की अलग अलग गतिविधियों का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए कोई अलग कक्षा का निर्माण नहीं करना होता, लेकिन उसी कक्षा में रहकर किस तरह से वो दूसरे छात्रों के साथ घुल मिल कर अपने अंदर रहने वाले जो न्यूनता है या उनके अंदर जो कुछ विशेषता है उनको कैसे ओवरलैप करें, उनको कैसे ओवरकम करें और वो चुनौतियों का किस तरह से सामना करके वो जो उपलब्धि है वो उपलब्धि कैसे हासिल करें, यह देखना शिक्षक का कार्य होता है। तो विशिष्ट बालकों के लिए कोई अलग से कक्षा निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती। उसी के अनुसार पाठ्यक्रम, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम से अतिरिक्त कुछ विशेष पाठ्यक्रम की योजना शिक्षक द्वारा होनी चाहिए। जैसे प्रतिभाशाली छात्र होते हैं या पिछड़े वर्ग के जो छात्र होते हैं तो उनमें काफ़ी अंतर होता है। प्रतिभाशाली छात्र की ज़रूरतें कुछ भिन्न होती है,
पिछड़े छात्र के कंपेयर से, तो वह देखकर उस तरह से पाठ्यक्रम की रचना करनी होती है। पाठ्यक्रम की रचना करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर अगर कुछ छात्र, जैसे हमने शारीरिक विकलांग में भी देखा कि कोई दृष्टिहीनता वाले छात्र हैं, कोई छात्र को श्रवण दोष है, कोई छात्र जो है वो वाक दोष से ग्रसित है, तो अगर विभिन्न शारीरिक विकलांग छात्र हमारे कक्षा में हैं तो उस तरह से पाठ्यक्रम में किस तरह से बदलाव लाकर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाए, इसके का ध्यान देना शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक कक्षा से शीघ्र दूसरी कक्षा में प्रणोति देना, जो प्रतिभावान छात्र है उसके उनके लिए यह प्रावधान किया जाता है कि उनको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में शीघ्र ही प्रणोति देना। ये सब चीज़ें हम असमायोजित छात्र के लिए या फिर जो छात्र पिछड़े हुए छात्र हैं उनके लिए ये प्रणोति देना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जो छात्र अपने उपलब्धियों में काफ़ी अग्रेसर है तो उनने ये प्रावधान देना महत्वपूर्ण शिक्षक की भूमिका होगी। वैयक्तिक विधि से शिक्षा, बालकों को निश्चित अवधि में कोई कार्य करने के लिए दिया जाए और शिक्षक उसकी प्रगति का ध्यान रखते हुए उनको नए नए कार्य देते रहें, पिछड़े वर्ग के बालकों पर ज़्यादा समय व्यतीत करें, जैसे ये कहा है जिसमें वैयक्तिक विधि से शिक्षा, मतलब हर एक छात्र को वैयक्तिक रूप से उनके ऊपर अवधान देकर उनसे कार्य करवाना या उस तरह से उनसे गतिविधियां करवाना या उस तरह से उनका अधिगम करवाना, शिक्षण और अधिगम में उस तरह उनको अपने कक्षा कक्ष में उनको लाने की बहुत बड़ा जिम्मेवारी शिक्षक के ऊपर होती है। तो व्यक्तिगत रूप पे बालकों के ऊपर ध्यान रखकर वह कितने पिछड़े हैं, उनका पहला जो रिकॉर्ड है वह देखकर उनमें कितना उन्होंने कितनी उपलब्धियां इस कक्षा में प्राप्त की हैं, यह सब चीज़ों का ध्यान रखना शिक्षक का एक महत्वपूर्ण शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका में आता है। पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रम, केवल पाठ्यक्रम से ही संबंधित कार्यक्रम को ध्यान में न रखते हुए विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिए उनकी प्रतिभा को और विकसित करने के लिए पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रमों में उनका चुनाव किया जाए, उनका सहभाग किया जाए, ताकि उनके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए और उनका सर्वंकष विकास करने के लिए पाठ्यक्रम कार्यक्रम बहुत बड़ा योगदान देता है, जिसमें खेल, संगीत, नृत्य, अन्य कलाएं, वाक प्रतियोगिताएं, ऐसे सारी चीज़ों का समावेश होता है। तो शिक्षक का कर्तव्य यह होता है कि यह सारे पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रमों में ऐसी विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों का किस तरह से योगदान कराए, जैसे श्रवण अक्षमता वाले छात्र है तो उन्हें कुछ नृत्य से संबंधित अगर कोई हमने कार्य दे दिया या हमने उनको कोई चित्र बनाने को कह दिया, जो छात्र वाक से पीड़ित हैं उनको कोई श्रवण से संबंधित, संगीत से संबंधित कोई कार्य दे दिया जिसमें उन्हें गाना नहीं है लेकिन वो संगीत के विविध उपकरणों को अच्छे से बजा सकते हैं, तो इस तरह से छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों की रचना करके उनके अवसर प्रदान करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक शिक्षा की विभिन्न विधियों का प्रयोग करके विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों की अधिगम आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायक होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि विविध विधियों में अवगम विधियां होती है, अवगम प्रत्यागम विधि होती है, उसी के साथ सहायक विधि होती है, प्रकल्प पद्धति का उपयोग किया जा सकता है या समस्या प्रधान विधियों के माध्यम से, ऐसे विभिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करके
शिक्षक विद्यार्थियों तक अधिगम प्रक्रिया सरलता से पहुंचा सकते हैं और छात्र जो विभिन्न विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं वह उसमें अपना काफ़ी योगदान दे सकते हैं और अपना जो अधिगम है वह सरल तरह से पूरा कर सकते हैं। जैसे जैसे कि सीखने का सिद्धांत है, सहयोगी अध्ययन है, या फिर अलग अलग अधिगम के जो सूत्र हैं जिसमें हम सामान्य से विशेषता की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से हम बड़े की ओर जाते हैं, या फिर हम जिसमें कठिन से हम सरलता की ओर जाते हैं या सरलता से कठिनता की ओर। तो इस तरह से विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके, प्रयोग करके विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों की अधिगमता को और सरल करने का जिम्मा शिक्षकों के ऊपर है। शिक्षक विभिन्न शिक्षण उपागमों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शिक्षण सीखने की शैली का प्रयोग बालकों की आवश्यकता के अनुसार करना। यहाँ पे सीखने की शैली में उनका वाचन आता है, उसमें उनका लेखन आता है, और उनका तीसरा होता है जिसमें वो क्रिया करते हैं। तो जो छात्र विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र लेखन करके, लिख लिख कर समझते हैं, उनको उस तरह से अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जो छात्र वाचन करके या फिर देखकर सुनकर कोई अधिगम कर सकते हैं तो उनको उस तरह से नाट्यकरण के द्वारा उनको सिखाया जाए, या कोई छात्र क्रिया करके कोई कोई विषय वस्तु सीख सकते हैं तो उनको उस तरह से अवसर प्रदान करके उनको उस तरह से अधिगम में सम्मिलित करना शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान कहलाता है। तो यहाँ पर आज हमने यह देखा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो विभिन्न छात्र हैं उनकी ज़रूरतें भी उसी तरह से विशिष्ट भी हैं और विभिन्न भी हैं। तो यह विशिष्ट और विभिन्न आवश्यकताएं ध्यान में रखकर शिक्षक को उस तरह से उनको एक अवसर प्रदान करना चाहिए, उस तरह से कक्षा का वातावरण निर्माण करना चाहिए, उस तरह से कक्षा का निर्माण करना चाहिए, उस तरह से पाठ्यक्रम में भी बदलाव लाने चाहिए, पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यक्रमेतर कार्यक्रमों में उनका सहभाग और बढ़ाना चाहिए, और इस तरह से हम विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय बनाने में शिक्षक का बहुत ज़्यादा योगदान ले सकते हैं। इसी तरह आज हमने देखा कि किस तरह विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र को अगर हमें अधिगम प्रक्रिया में लाना है तो कौन कौन सी तकनीकी, कौन कौन सी विभिन्न विधियों द्वारा हम उनको अधिगम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।